अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। तो वेलकम करता हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। आज हमारा ISP का सबसे पहली वीडियो, पहला कोर्स हमारा इस वीडियो पर जो है वो अपलोड होने वाला है। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखना है, ये जानना है कि ISP क्या चीज़ है और ISP का काम आप कितनी इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं, कितने फास्ट के लिए कौन सी डिवाइसेस लगानी है अपने। पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि ISP है क्या चीज़। दोस्तों ISP इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर यानी का नाम है, यानी कि अगर आप इंटरनेट सर्विसेज शेयरिंग का काम करना चाह रहे हैं, ख्वाह वो आपका कोई भी इलाका हो, या आप किसी विलेज में रह रहे हैं या फिर आप किसी सिटी के अंदर रह रहे हैं, वहाँ पर आप एक इंटरनेट का काम शुरू कर सकते हैं। तो वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले मेरी छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के आइकॉन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों और देखते हैं, मैं आपको एक इमेज के अंदर बताता हूँ कि ISP क्या चीज़ होती है और इस पर आपने कैसे काम करना है। दोस्तों ये इमेज आप देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा इस इमेज के अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात कर लेता हूँ आपसे कि अगर आपने ISP का काम शुरू करना है, ये हम छोड़ो, ये बाद में हम आपको बताएंगे। अगर आपने ISP इंटरनेट सर्विसेज का आपने काम शुरू करना है तो इसमें कितनी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये सबसे पहले हम आज की बात जो है वो क्लियर करेंगे। भाई मेरी बात याद रखें, अगर आपका डिस्टेंस है आपके पॉइंट ए से या किसी सिटी से, आपका अगर डिस्टेंस है 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर, जितना भी आपका फासला है, ठीक है, जितना आपका ज़्यादा फासला होगा आपको उतनी ही ज़्यादा महंगी डिवाइसेस लगानी पड़ेगी। अब मैं छोटे फासले की बात करता हूँ कि अगर आपका किसी सिटी के अंदर आपका दोस्त रहता है, ठीक है, आप जिस गांव में जिस इलाके में रह रहे हैं उस इलाके और उस गांव के अंदर PTCL या किसी भी बड़े और नेटवर्क की बात कर लें, ओवरऑल वर्ल्ड के कह लें कि जो भी या किसी भी इंटरनेट कंपनी का इंटरनेट हो, यानी कि वो आपके उस इलाके के अंदर मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब आपने इंटरनेट किस तरह लेकर आना है उस शहर के अंदर या उस मोहल्ले के अंदर या उस विलेज के अंदर आपने किस तरह लेकर आना है। अगर आपका कोई दोस्त है या फिर अगर आप किसी कंपनी से इंटरनेट ले रहे हैं अपनी सिटी के अंदर, ठीक है, तो आपको कितनी उसके लिए इन्वेस्टमेंट दरकार होगी। मैं फासले की बात करता हूँ तो फासला आपका अगर हो यानी कि 10 किलोमीटर अगर आप इंटरनेट रिसीव कर रहे हैं या फिर आप 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर तक इंटरनेट अगर आपने रिसीव करना है, मेरी एक बात यहां पर आप याद रखें कि इंटरनेट आप 300 किलोमीटर तक 200 किलोमीटर तक अगर आप एक डिवाइसेस को पॉइंट टू पॉइंट करते चले जाएंगे तो आपका इंटरनेट एक पॉइंट से कई हज़ारों मील दूर तक आपका एक इंटरनेट कनेक्शन बन सकता है। वो हर इंसान की एक इन्वेस्टमेंट पर होता है कि आप कितनी इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब दूसरी बात ये है कि आपने अगर ये सोचा है कि आप ISP का काम करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको कम से कम फर्स्ट सेटअप शुरू करना, यानी कि फर्स्ट जो डिवाइसेस आपके लिए जो जिनकी आपको ज़रूरत है उसके लिए अगर आपका नॉर्मल अगर इन्वेस्टमेंट लगाई जाए तो वो 50,000 के करीब होती है, यानी कि एक छोटा सा बिज़नेस आपने शुरू करना है। अब इस बिज़नेस में लॉस की बात तो नहीं करते क्योंकि अभी हमें तो लॉस इतना नहीं हुआ, इसमें तकरीबन आज के दौर के हिसाब से बात की जाए तो जो इंटरनेट है वो पूरी वर्ल्ड की बात की जाए तो 100 में से 90% तकरीबन जो हमारा इंटरनेट है वो वर्क कर रहा है। तो
इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट कैसी डिवाइसेस आपने लगानी है, कैसे कैसे आपने काम शुरू करना है, वो इंशाल्लाह मैं आपको एक पिक्चर के अंदर बता देता हूँ। जो हमने फर्स्ट वाली पिक्चर ओपन की थी वही हम पिक्चर ओपन करते हैं। अब दोस्तों ये देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ISP क्या और ये कैसे काम करता है। अब एक डायग्राम की तरफ तवज्जो करें, यहाँ पर जहाँ से आप इंटरनेट ले रहे हैं वो होता है आपका एक्सेस पॉइंट। एक्सेस पॉइंट होता है, मैंने इसको आपकी आसान लैंग्वेज के लिए यहाँ पर सेंड का नाल लिख दिया ताकि आपको एक जो है वो पढ़ने समझने में कोई मुश्किल ना पेश आए। एक्सेस पॉइंट बनाते हैं हम, कोई भी डिशें लेती हैं किसी भी कंपनी को, यानी कि आप UB&T की डिशें ले रहे हैं, आप UB&T के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लें, उसके लिए आपको पहली डिश एक्सेस पॉइंट पर बनानी पड़ेगी, दूसरी आपको टेशन यानी कि रिसीव बनानी पड़ेगी। अब सबसे पहले मैं एक तरफ आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि आपने एक टावल लगाया, वहाँ पर एक डिश लगाई, उसको आपने एक सेंड कर दिया इंटरनेट, दूसरा आपने टावल लगाया उसको आपने रिसीव कर दिया, ठीक है, उससे आपने इंटरनेट रिसीव कर लिया। अब इंटरनेट आपने एक केबल से टावर के नीचे आपने एक TP लिंक के अंदर ले आना है, उसका सिग्नल जो आता है। अब यहाँ पर मैंने इसकी बाय डिफ़ॉल्ट IP वगैरह और इसकी हाइट यहाँ पर जो है वो लिखी हुई है। तो TP लिंक का रोटर लगा लें, किसी भी कंपनी का लगा लें, वो आपके डायल अप पर होता है कि आपने डायल अप PPO का लिया हुआ है या फिर आपने PPTP लिया हुआ है, वो तो बाद में बात होती है कि आपने कौन सा डायल अप अपने TP लिंक के अंदर डायल अप करवाना है। जब आप किसी से इंटरनेट लेंगे तो फिर आपको वो मुकम्मल गाइड कर देंगे, अगर फिर भी अगर आपको उनकी बात समझ ना आए तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए जो है वो हाजिर खिदमत हूँ। आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, आप सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक आप मुझे कोई भी अगर मसला मसायल हो तो आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं। मैं इस वक्त तक यानी कि 24 घंटों में से तकरीबन 18-19 घंटे तकरीबन ऑनलाइन ही होता हूँ। अच्छा सॉरी, बात हो रही थी दोस्तों हमारी कि आपने अब एक तार के ज़रिए इंटरनेट ले आना है अपने TP लिंक के अंदर, फिर आपने एक तार आगे लगानी है और फिर आपने एक सर्वर क्रिएट करना है जो कि आपके लिए ज़रूरी होगा, वो होता है मैक्रोटिक। वो अपने सर्वर आपने क्रिएट करना है, वो आपने ये ज़रूरी लगाना है, क्योंकि अगर आप सर्वर ये लगाएंगे तो आप जो यूज़र को स्पीड असाइन इन करेंगे, वो यूज़र को स्पीड असाइन इन होगी जितनी आप उसको देंगे, आप उसको 2 MB की स्पीड दें या फिर आप उसको 5 MB की स्पीड दें, वो आप पर होगा। अब फिर आपने इससे एक तार निकालनी है और फिर आपने लगा लेना है एक कंप्यूटर के अंदर। इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर शेयरिंग का काम करने के लिए मैक्रोटिक की ज़रूरत हर जो ISP होता है उसको पड़ती है, इसलिए मैंने इसकी वजाहत यहाँ पर कर दी ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल ना हो। और फिर आपने एक तार आगे निकालनी है और किसी लैपटॉप या कंप्यूटर यानी जिसको भी आपने इंटरनेट फराहम करना है, इससे एक एक पॉइंट से तार निकाल कर अपने आगे इंटरनेट लेकर जाते रहना है। फिर आपने इससे एक आउट निकालनी है, आउट निकाल कर उन जो डिवाइसेस आपने लगानी है उस पर आपने इंटरनेट देना है। अब दोस्तों ये जो डायग्राम है, यहाँ से हमने अपनी वीडियो को शुरू करना है यानी कि वीडियो को लेक्चर को शुरू करना है, ठीक है, और यहाँ तक हम आकर ये इसको ख़त्म करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंशाल्लाह हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे कि आपने टावर कौन से क्रिएट करने हैं, कौन सा आपने टावर लगाना है आपके पास, वो आपकी मैं इन्वेस्टमेंट भी बता दूंगा कि अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है तो आप उसके लिए इतना महंगा टावर लगा लें, अगर आपके पास कम इन्वेस्टमेंट है तो आप उसके लिए इतना सस्ता टावर लगा लें, वो टावर कैसे बनेगा वो हम सब इंशाल्लाह आपको प्रैक्टिकल करके देंगे। तो
एक टावर आपने वहाँ पर लगाना है जहाँ पर अगर आपका दोस्त का घर है, दोस्त ने अगर आप आपके दोस्त ने, मैं पीटी सेल की बात कर लेता हूँ कि पीटी सेल का अगर आप उसने कनेक्शन लगाया हुआ है, पीटी सेल का अगर उसने कनेक्शन लगाया हुआ तो पीटी सेल का कनेक्शन आपने यानी कि उसका मोडेम लगे हुए है उससे आपने एक तार निकाल कर अपनी डिवाइस के अंदर लगाकर इंटरनेट आपने आप अपने पास लेकर आना है। ठीक है, अगर बोलने में कोई गलती हो तो उसके लिए माजरत, लेकिन बात को तवज्जो से सुन लें। इंशाल्लाह इस जो मैं कोर्स करवा रहा हूँ आपको एक आसान लैंग्वेज के अंदर बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल ना हो। अब आपने इंटरनेट लिया एक पॉइंट से, फिर आपने दूसरे पॉइंट तक लेकर आ गए, फिर आपने आगे नीचे इंटरनेट जहाँ पर आपने डेवलप करवाना अपना इंटर वो डेवलप करवाया, फिर आपने मैक्रोटेक लगाया, फिर आपने आगे इंटरनेट शेयर कर दिया। अब ये मैंने एक डायग्राम तैयार की है ताकि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए इस डायग्राम की। मज़ीद जो हमने प्रैक्टिकल करने हैं इंशाल्लाह वो हम जो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारी वीडियो आती जाएंगी उसके अंदर हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे। सबसे पहले हम शुरू होंगे टावर पर, टावर कौन से आपने इंस्टॉलेशन करने हैं, उस पर आपने डिवाइसेस कौन सी इंस्टॉल करनी है, कौन सी डिवाइसेस आप किस कंपनी की डिवाइसेस आपके लिए बेहतर रहेगी, ये सब कुछ इंशाल्लाह हमारा एक सेटअप बाय सेटअप चलेगा। क्योंकि यूट्यूब पर आपने वीडियोस देखी होगी किसी ने आपको एक आईएसपी का सेटअप बाय सेटअप यानी कोर्स कंप्लीट नहीं करवाया, तो मैं जितनी कोशिश हो सके इंशाल्लाह आपको जितना मेरे पास जो इल्म होगा वो आपको आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप जो है वो मज़ीद हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। किसी भी किस्म की टेंशन है, मैंने ये कहा कि आप की नीचे कमेंट करें, मैं आपको उसी कमेंट का फ़ौरन जवाब दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं 24 घंटों में से 20 घंटे या 18 घंटे तकरीबन ऑनलाइन ही होता हूँ। तो बात हो रही थी हमारे इस डायग्राम की, अगर दोस्तों फिर भी आपको एक समझ नहीं लगी तो इंशाल्लाह सेटअप बाय सेटअप हमारी वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल के ऊपर और आपका एक बेहतरीन किस्म का एक बिज़नेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आप एक बेहतरीन किस्म का अपना कारोबार सेट कर लेंगे, वो भी आप 50,000 40-50,000 के अंदर आप एक छोटा सा छोटा एक सेटअप बना लेंगे। आपने वो जो इसके लिए प्रोडक्ट लेने हैं वो तो आपने लेने ही हैं, वो तो आप एक बार लगाए ही, क्योंकि अगर आपने जितने क्लाइंट ज़्यादा करने हैं उस उतने क्लाइंट के लिए आपको ज़्यादा डिवाइसेस की ज़रूरत होगी। आप डिवाइसेस लगाते जाएंगे, आप आगे एक इंटरनेट को शेयर करते जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करते चले जाएंगे और आपको इसके अंदर प्रॉफिट होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी वीडियो हमारी पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो या मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अपने ये चैनल है, आप समझ लें कि ये आपका अपना ही चैनल है। ठीक है, इंशाल्लाह आप जैसे कहेंगे जो जो आपको रहनुमाई की ज़रूरत होगी इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी जो वीडियो होती हैं वो पहले ही मैंने वीडियो आपको बताया था कि इंशाल्लाह ऐसी ही हमारी वीडियो होगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, जो आपको एक फ़ायदा देंगी। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।